नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोनी तगन में प्रतिबंधित मछलियों के पालन पर हुई बड़ी कार्रवाई। मत्स्य विभाग के अधिकारी आनंद जायसवाल ने जानकारी देते बताया कि शाम करीब 4 बजे मत्स्य विभाग को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खतौली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सोनी तगन में निजी भूमि पर गाँव के 3 तालाबों में सरकार द्वारा प्रतिबंधित थाई मंगूरा मछली का इमरान और हरीश त्यागी चोरी छिपे पालन कर रहे हैं, जिस पर मत्स्य विभाग द्वारा गांव में पहुंचकर तालाबों का निरीक्षण किया गया तो गांव के निजी तालाबों में थाई मंगूरा मछली का पालन होता हुआ मिला। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व ही अवैध मछली पालकों के द्वारा तालाब खाली करा दिए गए थे, जबकि कुछ निजी तालाबों में माल बचा हुआ है, जिस पर मत्स्य विभाग ने उच्च अधिकारी को सूचना देते हुए अवैध मछली पालकों को नोटिस देकर कार्रवाई की है और मौके पर प्राप्त प्रतिबंधित मछली को गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि आगे भी इस तरह की प्रतिबंधित मछली का पालन होता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रतिबंधित मछली थी इसको मतलब नष्ट किया गया है, कहाँ का ये प्रकरण है सर? ये तहसील कतौली ग्राम सोहजनी तगान का प्रकरण है। यहाँ 2 तालाबों में प्रतिबंधित मछली पलती हुई पाई गई थी, जिसे आज जो है डंप कर जमीन में खोद कर जमीन में बंद कर दिया गया। सर लगभग कितना कुंटल ये मछली का वजन होगा? लगभग 8-10 कुंटल के आसपास रही होगी। और भी कोई उपकरण वगैरह यहाँ पे बरामद हुआ सर? हाँ, रात जो है परिवहन के उपकरण और इनके कटर वगैरह बरामद हुए। कितने तो कार्रवाई में कौन कौन टीम मौजूद रही? मत्स्य विभाग के मत्स्य विकास अधिकारी और सोहजनी चौकी से चौकी इंचार्ज साहब और राजस्व विभाग से लेखपाल और अन्य कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे। सर यदि आगे भी कहीं इस तरह का मामला पाया जाता तो सर किस तरह की टीम कार्रवाई करेगी? कठोर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, क्योंकि प्रतिबंधित मछली है जो स्वास्थ्य के लिए जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और प्रशासन कहीं भी जन स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ होते नहीं देखना चाहता। सर रान जो यहाँ पर मछली पालन कर रहे हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मत्स्य विभाग के कुछ अधिकारी लोग यहाँ से पैसा ले रहे हैं, वो मत्स्य विभाग की ओर से उसके लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है, उसकी जांच करके अलग से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को कल सूचना मिली थी, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन व्यक्ति है, कौन कर रहा है। जिसकी पुष्टि हो जाएगी तो जांच चलेगी, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस गलत काम में वो लिप्त है तो उनके ऊपर थैंक यू।